गैस, अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो स्टेजिंग एरिया है उसको किस तरह स्किप किया जा सकता है। आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे कि किस तरह हम लोग मूव कर सकते हैं फाइल्स को और किस तरह रीनेम कर सकते हैं गिट की मदद से। अब देखो, अगर आप डायरेक्टली मूव या रीनेम कर दोगे फाइल को और उसके बाद आप गिट के कमांड्स यूज़ करोगे, वो डेफिनेटली काम करने वाले हैं। जैसे कि मान लो मैं अभी यहाँ पर गिट स्टेटस लिखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर गिट स्टेटस लिखूँ, और गिट स्टेटस लिखने के बाद आप देख रहे हैं ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमेंट लिख के आ रहा है वर्किंग ट्री क्लीन, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ स्टेज नहीं है, मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं किया है, कुछ भी यहाँ पर चेंज मैंने नहीं किया हुआ है, सब कुछ एकदम क्लीन है। अब मान लो यहाँ पर मैं सेकंड को रीनेम करता हूँ F2 दबाकर, अगर आप विंडोज़ में हैं, वरना राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ थर्ड, फॉर सम रीज़न मैंने इसको रीनेम करके थर्ड कर दिया, ठीक है, मैंने इसको रिनेम कर दिया थर्ड। और जैसे ही आप यहाँ पर ऐसा करेंगे तो देखो गिट स्टेटस आप लिखेंगे तो यहाँ पर ही कह रहा है कि आपने डिलीट कर दी सेकंड और आपने एक नई फाइल ऐड कर दी जो कि अनट्रैक्ड है थर्ड, ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले आपने एक फाइल को डिलीट किया और दूसरी फाइल को ऐड किया गिट को, ऐसा लग रहा है, जबकि आपने एक फाइल को रिनेम किया था, आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर अब गिट ऐड कर दूँ मैं गिट ऐड डॉट और गिट स्टेटस, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि आपने रीनेम कर दी सेकेंड डॉट txt को थर्ड डॉट txt। फिर बाद में जब मैंने इसको स्टेजिंग एरिया में डाल दिया तब इसको मालूम चला ओके आपने रीनेम करी है ये फाइल। और इसके बाद अगर मैं गिट कमिट कर दूँ -m और मान लो मैं लिख दूँ रीनेम सेकेंड टू थर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मेरा जो कमिट है वो हो गया। तो ये तरीका तो हमेशा काम करने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोग एक फाइल को रिमूव कर सकते हैं गिट कमांड की मदद से और किस फाइल को आप किस तरह आप किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं गिट की मदद से। सबसे पहले डिलीट की बात करता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पर आकर अपनी थर्ड डॉट txt को डिलीट ही कर देता हूँ, यानी कि उड़ा देता हूँ। तो अगर यहाँ पर गिट स्टेटस देखूँ तो ये कह रहा है कि डिलीटेड थर्ड डॉट txt, और उसके बाद अगर मैं गिट कमिट कर दूँ तो ये मेरा कमिट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, कंट्रोल जेड करके अपनी थर्ड डॉट txt को वापस लाऊंगा। मैं यहाँ पर अगर अभी गिट स्टेटस लिखूँ गिट स्टेटस, तो मेरी जो ब्रांच मास्टर है उसमें वर्किंग ट्री क्लीन है, क्योंकि मैंने वापस से इसको पुरानी स्टेज में डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर गिट का एक कमांड यूज़ करूँगा और वो है गिट rm और थर्ड डॉट txt। अगर आप थोड़ा सा लिख कर टैब दबाते हैं, जैसे कि मैंने अगर थर्ड लिख के टैब दबाया और उसके अलावा कोई फाइल है नहीं, मतलब मेरी वर्किंग ट्री में जो कि थर्ड से स्टार्ट होती है, तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेता है किसी भी टर्मिनल में। अगर आप मैक में है तब भी चलता है ये, लिनक्स में तब भी चलता है। तो TH लिख के टैब दबाओगे, अगर TH से कोई दूसरी फाइल स्टार्ट नहीं होती है तो वो ऑटो कंप्लीट कर देता है आपके लिए। तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अब अगर मैं यहाँ पर गिट rm कर दूँ तो ये कह रहा है कि रिमूव हो चुकी है थर्ड डॉट txt, और यहाँ पर देखो कि थर्ड डॉट txt जो है यहाँ से जा चुकी है। अभी अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस रन करूँ तो इसने क्या किया, इसने स्टेज भी कर दिया, इसने एक तो रिमूव करी फाइल मेरी और उसी के साथ साथ इसने मेरे लिए स्टेज भी कर दिया। लेकिन अगर मुझे मैनुअली डिलीट करनी पड़ती तो मुझे मैनुअली जाके पहले डिलीट करनी पड़ती, फिर उसके बाद गिट ऐड चलाना पड़ता। तो रिमूव करनी है मुझे एक फाइल, तो डायरेक्टली मैं गिट के rm कमांड से रिमूव कर सकता हूँ, और उसके बाद मैं गिट कमिट कर सकता हूँ। अरे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, गिट कमिट लिखना था मुझे -m, और इसके बाद मैं लिख दूंगा रिमूव्ड बैड फाइल थर्ड डॉट txt। मुझे पता है अच्छा कमिट नहीं है, बट आपके मैसेजेस में मतलब दम होना चाहिए, जो भी कमिट मैसेज डालोगे वो कुछ ना कुछ बताए उस कमिट के बारे में कि ये क्यों किया गया है, अगर आप असली प्रोजेक्ट में कमिट कर रहे हो। अभी के लिए मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ स्ट्रिंग, और बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे क्यों डाल रहा हूँ जबकि मैं ही बोल रहा हूँ कि अच्छे कमिट्स लिखने चाहिए। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, फाइलों को रिमूव कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने रिमूव आपको बताया, अब जो काम हमने पहले किया था यानी कि रिनेमिंग का काम किया था जो कि हमने मैनुअली किया था, ये देखते हैं गिट के कमांड से कैसे कर सकते हैं। मान लो मैं फर्स्ट को फर्स्ट रिनेम्ड नाम से रिनेम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर गिट, मैं लिखूंगा यहाँ पर गिट, और उसके बाद मैं लिखूंगा mv, और उसके बाद मैं लिखूंगा फर्स्ट डॉट txt, और मैं उसके बाद लिखूंगा फर्स्ट रिनेम डॉट txt। अब यहाँ पर देखो आप लोग फर्स्ट डॉट txt है इसका नाम, जैसे ही मैं एंटर करूँगा इसका नाम यहाँ पर चेंज होकर फर्स्ट रिनेम डॉट txt हो गया। और अगर मैं अभी यहाँ पर गिट स्टेटस चलाऊँगा तो ये यहाँ पर इसने ऐड भी कर दिया मेरे लिए, यानी कि स्टेजिंग एरिया में भी डाल दिया, तब ये चेंजेस टू द कमिटेड टू बी कमिटेड ग्रीन से आ रहा है।
तो इस तरह जो है आप फाइल्स को मूव कर सकते हैं डायरेक्टली गिट की कमांड से, रिनेम कर सकते हैं। कभी भी अगर आपने लिनक्स वगैरह में काम किया तो आपको मालूम होगा कि रिनेम करने के लिए हमें मूव कमांड इस्तेमाल करना पड़ता है, एमवी। और एमवी का मतलब ये होता है कि एक फाइल को अगर दूसरी फाइल में आप रिनेम करना चाहेंगे तो आप मूव कर सकते हैं और उसी से रिनेम हो जाता है। जैसे कि मेरी फाइल अगर पहले फर्स्ट डॉट txt थी और अब फर्स्ट रिनेम डॉट txt हो गई है, तो मैं अगर एमवी कमांड चलाकर ये कर दूँ तो क्या होगा, मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि इस वाली फाइल में मूव कर दो, तो बेसिकली वो रिनेम हो जाएगा। तो रिनेमिंग और मूविंग जो है लिनक्स में काइंड ऑफ सेम ऑपरेशन होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, एमवी कमांड, गेट एमवी कमांड चलाएंगे अगर, तो क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो आपकी फाइल रिनेम हो जाएगी और उसी के साथ साथ वो रिनेम जो है वो स्टेज हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक कमिट कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारा जो वर्किंग ट्री है उसमें अभी चेंजेस टू बी कमिटेड है। और मैं रिनेम्ड लिख देता हूँ सिर्फ, और आपको लिखना पड़ेगा अच्छे से जो कमिट मैसेज है, बट अभी के लिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और अभी हमारा जो वर्किंग ट्री है वो क्लीन है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग। अब कभी कभी क्या होता है कि देखो मेरे पास यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स हैं, गिट इग्नोर खोलता हूँ अपनी, मैं अपनी गिट इग्नोर खोल रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। इसमें मेरे पास सारी लॉग फाइल्स जो हैं उनको मैंने इग्नोर कर रखा है, और DIR को इग्नोर कर रखा है, स्टैटिक स्लैश DIR को इग्नोर कर रखा है। मान लो फॉर सम रीज़न मैं इसको इग्नोर करना चाहता हूँ, किसको, मैं db.accdb को इग्नोर करना चाहता हूँ मान लो, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा db.accdb, मैं इसको इग्नोर अपनी गिट इग्नोर में डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका नाम, मैं यहाँ पर लिख दूंगा db.accdb, कंट्रोल एस टू सेव। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बंद करके गिट स्टेटस चलाऊंगा अगर, तो आप लोग यहाँ पर देखो ये कह रहा है मॉडिफाई हो चुकी है आपकी गिट इग्नोर। चलो बढ़िया। अब होना क्या चाहिए टेक्निकली, अगर मैं ऐड कर दूं अपने गेट इग्नोर को, मान लो मैं गेट इग्नोर को ऐड कर दूं, गेट ऐड डॉट कर दूं, और मैं गेट कमिट माइनस एम, और मैं यहाँ पर लिख दूं चेंज्ड गेट इग्नोर, मान लो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, अभी के लिए मैंने अपने गेट इग्नोर को चेंज कर दिया और मैंने उसको कमिट भी कर दिया उस चेंज को, मैंने कहा कि जी गेट इग्नोर चेंज हो चुकी है और मैंने गेट इग्नोर कमिट भी कर दी। अब मैं अगर इसको चेंज करूँ db.accdb को, मैं कोशिश करता हूँ इसको चेंज करने की, और इसमें मैं कुछ ऐड करूँगा और यहाँ पर इनेबल कंटेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ, टेबल पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मान लो मैं दिस लिख देता हूँ, समथिंग समथिंग लिख देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ, ओके। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, और db.accdb मेरा जो है उसको मैंने चेंज कर दिया बेसिकली। तो अगर अब मैं गिट स्टेटस करूँ तो टेक्निकली मुझे दिखना नहीं चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि दिखना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ज़रा ये देखो यहाँ पर मॉडिफाइड दिखा रहा है db.accdb, लेकिन इसको तो हमने गिट इग्नोर में ऐड कर दिया था ना ऊपर, और उसके बाद हमने गिट इग्नोर को कमिट भी कर दिया था चेंज करके, तो ये इसको क्यों ट्रैक कर रहा है बार बार, यहाँ तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये लोचा क्यों हुआ और इस लोचे की वजह क्या है। देखो हुआ क्या कि हम पहले से db.accdb, ये जो मेरी फाइल थी, इसको हम पहले से ट्रैक कर रहे थे, और जब हमने अपनी गिट इग्नोर को चेंज किया तब भी वो ट्रैक ही होती रहेगी जब तक हम एक्सप्लिसिटली उसको अनट्रैक नहीं करेंगे, यानी कि ट्रैकिंग सिस्टम से नहीं हटाएंगे गिट के। तो हमें अगर गिट इग्नोर को चेंज करना है बाद में, तो हमें गिट को बताना पड़ेगा कि इस फाइल को मैं अब ट्रैक नहीं करना चाहता, इस फाइल को मैं क्या नहीं करना चाहता, अब ट्रैक नहीं करना चाहता। तो उसके लिए कमांड क्या होता है, उसके लिए कमांड होता है गिट rm माइनस माइनस कैश्ड, लेकिन डरना मत, ये रिमूव नहीं करेगा इस फाइल को, ये सिर्फ अनट्रैक कर देगा, यानी कि ट्रैक हो रही थी फाइल अगर, तो अब ट्रैक नहीं होगी। तो ये मैंने कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, db.accdb को ये क्या करेगा, ट्रैक करना बंद कर देगा। देखो फाइल यहीं पर मौजूद है, फाइल नहीं उड़ी है मेरी, लेकिन बस ये ट्रैक करना बंद कर देगा। तो अब अगर मैं गिट स्टेटस लिखूंगा, हाँ अब यहाँ पर देखो कह रहा है डिलीटेड db.accdb, अब ये कह रहा है कि आपने जो है db.accdb को हटा दिया, आपने रिमूव कर दिया, यानी कि डिलीट कर दिया है। तो ये कह रहा है db.accdb अब डिलीट हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में वो डिलीट नहीं हुई है, हमने उसको अनट्रैक करना स्टार्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दूँ, मान लो मैं कुछ ऐसे लिख दूँ गेट एट डॉट, और इनफैक्ट क्या करेंगे हम, गेट कमिट करेंगे डायरेक्ट माइनस एम, क्योंकि हमारे ऑलरेडी चेंजेस स्टेज्ड हैं, रिमूव db.accdb, ठीक है, एंटर, गेट स्टेटस, और देखो वर्किंग ट्री क्लीन, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इसको db.accdb को वापस से चेंज करूँ, और इसको चेंज करके मान लो मैं ये टेबल को खोलूँ, और इस टेबल को खोल के मान लो मैं कुछ ऐड करूँ इसमें, कंट्रोल एस से सेव करूँ, इसको बंद कर दूँ, और मैंने इस फाइल को चेंज कर दिया बेसिकली, अब गिट स्टेटस डालूंगा तो देखो वो मुझे परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, उसको अपनी इंडेक्स से हटा दिया, मैंने कह दिया है कि इसको ट्रैक मत करना, ठीक है। लेकिन मैंने एक बार उसको ट्रैक करने से हटा दिया तो वो मुझे अनट्रैक्ड में भी नहीं दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो मेरी गिट इग्नोर में है।
अगर मैं इसको गिट इग्नोर से हटा दूं तब मुझे वो ये दिखाएगा कि आपने ट्रैक नहीं कर रहे उस फाइल को। देखो मैंने इसको हटाया गिट इग्नोर से, गिट स्टेटस करूंगा और ये देखो कह रहा अनट्रैक्ड फाइल, आपकी ये फाइल अनट्रैक्ड है, आप ट्रैक नहीं कर रहे उसको, और उसी के साथ साथ आपने गिट इग्नोर को मॉडिफाई भी कर दिया है। सो आशा करता हूँ क्लियर हो गई होगी ये चीज़ आपको, मूविंग कैसे करते हैं, रिनेमिंग कैसे करते हैं, किस तरह इंडेक्स से हटाते हैं एक फाइल अगर ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हो आप और उसको बाद में गिट इग्नोर में डालना चाहते हो। ऐसा कई बार होता है कि हम क्या चाहते हैं कि एक फ़ाइल जो कि ऑलरेडी ट्रैक की जा रही थी गिट के द्वारा, हम चाहते हैं कि अब नहीं करना यार इसको ट्रैक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिट आर एम माइनस 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 कैश्ड करेंगे, यानी कि जो हमने कमांड यहाँ पर ऊपर चलाया गिट आर एम माइनस माइनस कैश्ड ये वाला, तो वो क्या करेगा रिमूव कर देगा गिट के लिए, वो डिलीट हो जाएगी फाइल, इसलिए वो डिलीटेड में दिखाएगा। और एक बार आप कमिट कर देंगे उसके बाद आपकी वर्किंग ट्री में तो वो रहेगी फाइल, लेकिन अगर आपने गिट इग्नोर में डाली हुई तो वो आपको अनट्रैक्ड में भी नहीं दिखाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ें आप करके देखें, खुद से करके देखेंगे तो शायद आपको और क्लैरिटी आएगी, और मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें हेल्पफुल हो रही हैं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, काफ़ी लोगों ने वीडियोस देखे हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बट मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और मैं आपके लिए ही ये बात बोल रहा हूँ कि आप इसको बुकमार्क कर लें और इसको सेव कर लें प्लेलिस्ट को, अपने पास रख लें इसको, किसी भी तरह आप इस कोर्स को शुरू से देखें। मेरे कहने का मतलब ये है प्लेलिस्ट को बिना एक्सेस किए मुझे नहीं लगता आपके लिए पूरे वीडियोस लाइन में देखना पॉसिबल हो पाएगा, यानी पॉसिबल तो हो पाएगा बट आसान हो पाएगा कि नहीं। मैं चाहता हूँ कि प्लेलिस्ट खोलेंगे तो शुरू से चलेंगे वीडियोस और आपका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है इन वीडियोज़ को, और अगर आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।